एक आम आजकल सोच है कि जी कोरोना वायरस शायद खत्म हो गया है, जो होना था वो हो गया, आप सत्य ही कह रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लेने की हमें ज़रूरत है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आएगी, कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा। इससे बचने का तब तक वाहिद तरीका यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, जब बाहर जाएं तो मास्क पहनें और बार बार अपने हाथ धोएं। इसके अलावा इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। छोटी ईद पे भी डॉक्टर्स चीखते चिल्लाते रहे, इल्तिजाएं करते रहे कि प्लीज लॉकडाउन में नरमी मत करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, बाजार मत खोलें। और क्योंकि हमारे यहाँ नए कपड़े ईद पे सिलवाना और बनाना और पहनना लोगों के जान माल से ज्यादा कीमती है गालिबन, तो हमने देखा कि लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के बाजारों में SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने शॉपिंग की, और उसके बाद फिर जिस तरह हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अपने घुटनों पे आ गया, वो हम सबके सामने है। अब की बार खुदारा बड़ी ईद पर ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम अब अपने घुटनों पर नहीं आएगा बल्कि उसके घुटने टूट जाएंगे। हमारे पास पहले ही बहुत सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इस बीमारी से बीमारी में मुब्तला हैं, कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हमारे पास अब वो रिसोर्सेज, वो अमला, वो ताकत नहीं है एज अ हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि पहले भी नहीं थी। और एक पेंडेमिक से लड़ने की तो हमारे में पहले भी सलाहियत नहीं थी, लेकिन अब अगर बड़ी ईद पर भी यही कुछ हुआ तो मामला बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वायरस अब खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ इस गलतफहमी को, इस खुशफहमी को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि एक पीक हमने देख ली जब मैक्सिमम लोग बीमार हुए, उनमें से कई अपनी जान जान से हाथ धो बैठे, और अब भी उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कन्वेलेसेंस पीरियड में हैं, यानी कि सेहतमंदी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सेहतमंद भी हुए, लेकिन अगर दोबारा से हमने वही रवैया अपनाया तो अब की बार जो सेकेंड एक वेव आएगी वो पहली से कहीं ज़्यादा डेडली होगी, खुदा ना खास्ता। नई ईद के वो जोड़े कितने लोगों के घरों में कफन में तब्दील हुए, हम सब की आंखों के सामने है। फिर चाहे आप इसको कोई साजिश करार दें, जहर के टीके कहें, लाशों का कारोबार कहें, जो भी कहें, लेकिन हम सब ये बात अंदर ये जानते हैं, अपने दिल के अंदर ये बात, कि चूंकि हमने SOPs फॉलो नहीं की, और जब पूरी दुनिया जो है वो जब केसेस नीचे आ रहे थे तब उन्होंने लॉकडाउन ओपन किया, हमने हमारे जब केस अभी बढ़ रहे थे तो तब लॉकडाउन खोल दिया और एक तूफान आ गया। ये जिम्मेदारी हुकूमत पे और आवाम पे भी आयद होती है कि जैसे छोटी ईद पर हम लोगों ने बिल्कुल ही एक सेंसलेस तरीके से बिहेव किया है, तो खुदारा बड़ी ईद पे अगर तो आपको लग रहा है कि ऐसी मंडियां बनाने की जगह नहीं है जहां पे एक एक जो स्टॉल हो वो इतने फासले पे हो, और सब लोग जो खरीदारी करने के लिए आए वो आपस में 6-6 फुट का फासला रख सकें, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो प्लीज मवेशियों की मंडियां मत लगाएं। अपने रिश्तेदारों से ईद पे ना मिलना बहरहाल इससे बेहतर है कि आप उनसे कभी भी ना मिल सकें, या खुदा ना खास्ता आप उनकी बीमारी की या उनकी मौत की वजह बने। तो प्लीज पार्टियां, सेलिब्रेशंस, रिश्तेदारों के साथ मिलना, दावतें, शादियां, ये सब तभी है जब हमारी जिंदगी है। कुर्बानी बेशक हमारा फर्ज है, लेकिन इंसानी जान बचाना सबसे अफजल है। और अगर हम एक इंसानी जान की हमारे यहाँ कोई वक़्त नहीं है और हम उसके लिए SOPs फॉलो नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं पता कि वो उन SOPs की धज्जियाँ उड़ा के और कितने लोगों की जानों को खतरे में डाल के अगर हम बाजार जाके जानवर खरीद के ला के उसकी कुर्बानी करेंगे, तो मैं नहीं जानती कि उसकी क्या वैल्यू होगी। आप ज़रूर जानवर खरीदें, आप ज़रूर कुर्बानी करें, लेकिन SOPs फॉलो करते हुए प्लीज़। और हुकूमत से ये भी ये गुजारिश है कि अगर आपको मालूम है कि लोग खुद से SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर फोर्स करवाएं, ये आपका फ़र्ज़ है। स्टे होम, स्टे सेफ। शुक्रिया।